Watch Daily Hitachi, Voice of Nation. Hi, I'm Kishlet, co-founder at Litfoot. So we make voice assistant pets. मतलब खिलौने जो बात कर सकें. तो मैंने अपने कज़न श्रेयांश को एक साल पहले Alexa गिफ्ट किया था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. दो वीक तक ही वॉज वेरी इंगेज्ड एंड आफ्टर दैट उसको ऐसा लगने लगा कि नाउ द इंटरेस्ट फेड आउट. तो वी सॉ कि बच्चों के पास 100 खिलौने होते हैं, 50 खिलौने होते हैं और जिनको जो कैरेक्टर पसंद आता है उसी के 10-20 खिलौने होते हैं. तो वी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि एक ही कैरेक्टर बनाते हैं हॉगी, वेर द किड वुड हैव 10-20 हॉगीज विच आर टॉकिंग डिफरेंटली. फॉर एग्जाम्पल हॉगी राइम्स, जो राइम के बारे में बात करेगा, प्लेमी माई फेवरेट राइम, प्लेमी ट्विंकल ट्विंकल. और इन जनरल हॉगी एक कैरेक्टर है जो हॉगी लैंड एलियन प्लैनेट से आ रहा है. उसके पापा हॉगी पा, उसकी मम्मी हॉगी माँ, उसके फ्रेंड्स फॉक्सी द फॉक्स, इस तरह से कैरेक्टर बिल्ड है. सो द किड इज रियली इंगेज लाइक अ फ्रेंड. वो एक डिवाइस नहीं है, इट इज अ फ्रेंड विच अ किड लाइक्स टॉकिंग टू. अपार्ट फ्रॉम दैट वो 100 राइम हो या 100 बेड टाइम हो, ऐसे हम 25 डिफरेंट हॉगी निकालने वाले हैं अगले 2 साल में. प्लान इज टू मेक हॉगी टू हॉगी टू बी इन 1 million हैंड्स बाय द एंड. कैरेक्टर बेस्ड चीजें ही किड्स की दुनिया में चलती हैं. थैंक यू. ये बेसिकली how much investment you are looking for that? So 3.5 crores is total that we are looking for. So abhi tak aapke paas kitna hai? So we were also part of Sanjay Mehta's 100x.vc. Uske acceleration program mein we got 25 lakhs. Uske alawa abhi hume 30 lakhs ka angel investors se commitment hai and 50 lakhs ka ek premium institute se commitment hai. Minimum investment kya rehta hai? Isme koi minimum investment? 10 lakhs. 10 lakhs. So agar convertible pe hum lete hain, agar koi angel investor individually bhi karta hai to 10 lakhs. 10 lakhs जो एक्सपोज लाइक कि एक कंपनी या एक प्राइवेट इन्वेस्टर जो 10 लाख आप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो व्हाट विल ही गेट इन रिटर्न ऑफ दैट? वो तो इक्विटी होती है. हाउ मच इक्विटी? हां तो वो हमारा अभी का वैल्यूएशन है 3.5 करोड़. हम 17.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेज कर रहे हैं. बट कोई एंजल इन्वेस्टर के राउंड में लंबा टाइम लगता है, 3-4 महीने 6 महीने भी लग जाता है. ड्यू डिलीजेंस होता है, जैसे अभी अनिरुद्ध ने बताया ड्यू डिलीजेंस के 100 hours to 100 hours होते हैं. तो कोई एंजल इन्वेस्टर जो कि फास्ट ड्यू डिलीजेंस करता है, गट फीलिंग पे जाता है, उसके लिए हमने 12 करोड़ का कैप लगाता है कि अगर 17.5 करोड़ का राउंड होता है तो उसको 12 करोड़ की कैप पे ही वैल्यूएशन मिलेगा. दूसरी चीज ये पूछना चाह रहे थे कि मतलब ये कॉपीराइट है आपका टेक्नोलॉजी का? हाँ, आपने खुद डेवलप किया है, कैसे आपको ये? तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर हमारा कॉपीराइट है, हॉगी नाम हॉगी का शेप हमारा कॉपीराइट है. उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में वॉइस टेक जो हम बोलते हैं, वॉइस टेक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्पीच रिकॉग्निशन एक चीज़ होती है कि बोला क्या वो समझे. NLP होता है कि उसको समझे कि सेंटेंस टेक्स्ट में आ गया, अब वो क्या है. तो हम जो जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्स जनरेशन, कि क्या रिस्पॉन्स देना है. मेरे को पता चल गया कि बच्चे ने पूछा है से सरप्राइज नहीं, अब हम उसमें गाना भी चला सकते हैं. हर किसी के लिए वो अलग हो सकता है. तो रिस्पॉन्स जनरेशन जो चीज़ है वो हमारी प्रोप्राइटरी है, कंटेंट एनालिटिक्स उसके ऊपर है. फोर्थ चीज़ आती है टेक्स्ट टू स्पीच. टेक्स्ट टू स्पीच क्या होता है कि जो वॉइस निकल रहा है अभी सिस्टम्स के थ्रू, एलेक्सा के थ्रू, किसी भी सिस्टम के थ्रू, वो कंप्यूटराइज वॉइस है, उसको टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं. लेकिन उसमें क्या है कि पूरी दुनिया का टेक्स्ट टू स्पीच अभी ह्यूमन लाइक वॉइस बना रहा है, मतलब इंसानों की तरह. लेकिन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कार्टूनिश वॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कार्टूनिश वॉइस चाहिए. तो ये सब चीज़ें अपने आप में मोनेटाइजेबल हैं. जो रिस्पॉन्स बना रहे हैं, जो नॉलेज बेस बन रहा है, बच्चों के लिए कोई नॉलेज बेस है नहीं, तो वो भी अपने आप में मोनेटाइजेबल है. और ये भी अपने आप तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने पेटेंट किया है कॉपीराइट का या सिर्फ? कॉपीराइट तो इंडिया में करा है और पेटेंट जो है इसका वो भी हम फाइल करेंगे, इंडिया से स्टार्ट करेंगे, US में और इंडिया में करेंगे. तो जिनके साथ आपका टेक्नोलॉजी का आप बनवा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपको ऐसा कोई डर तो नहीं है कि वो किसी और को ऐसा कुछ दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा इसलिए डर नहीं है क्योंकि हमारा